हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉसर यूट्यूब चैनल। 1 जुलाई से बैंकिंग से जुड़े कई नियम में बदलाव होने वाले हैं। इसमें एटीएम से कैश निकालने और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर के नियम शामिल है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी भी सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव करने जा रहा है। हम आपको बैंक से जुड़े ऐसे बदलाव के बारे में बता रहे हैं जो आप पर सीधे असर डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीएनबी की बात कर लेते हैं, उसके बाद दो नए नियम की बात करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती की है। ये कटौती 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50 लाख रुपए के ऊपर के बैलेंस पर 3.25% सालाना ब्याज दर के हिसाब से मिलता रहेगा। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं दो लेटेस्ट नियम की। तो पहला लेटेस्ट नियम जो निकल कर आ रहा है एटीएम कार्ड का, लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम में कैश निकालने के लिए नियम में जो राहत दी गई थी 1 जुलाई को, अब वो नहीं रहेगी, अब वो राहत खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजेक्शन चार्जेस हटा लिए थे। सरकार ने 3 महीने के लिए एटीएम ट्रांजेक्शन फीस हटा करके लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट 3 महीने के लिए दी थी जो कि 30 जून 2020 को खत्म हो रही, यानी 1 जुलाई से अब ट्रांजेक्शन चार्ज पड़ेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट नियम की। कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। ये आदेश अप्रैल से जून महीने तक के लिए था। ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर लोगों को किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन अब 1 जुलाई से आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो लेटेस्ट नियम थे, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।